हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। कैसे हो आप सभी लोग गाइस? थोड़ा सा देरी हो गया, थोड़ा टेक्निकल इशू था इसकी वजह से। तो अभी अपनी क्लास लाइव है। मुझे बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? गुड नून गाइस, गुड नून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहुंच रहे आप लोगों तक? ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, ओके, ठीक है। तो गाइस, हम लोगों ने अभी ये सीरीज स्टार्ट किया है अपना, जो जून का पेपर है, 2023 का जून का जो पेपर था, उसके उसके क्वेश्चंस को हम सभी लोग उसके क्वेश्चंस को हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी पहली क्लास सैटरडे को हुई थी, कल संडे था, कल क्लास नहीं हो पाया। आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज से आप लोगों की क्लासेस बिल्कुल ऑन टाइम, ऑन शेड्यूल्ड क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगी। बीच में थोड़ी थोड़ी डिसकंटिन्यूटीज थी, उसको हम लोग अब रिजॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम सभी लोग करने जा रहे हैं और इसका पार्ट वन हो चुका है। पार्ट वन हो चुका है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक कर लिया था। तो अभी हम सभी लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले गाइस, आप लोगों ने अभी तक AKG एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप इस क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दिसंबर के लिए क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है और iOS के लिए भी अवेलेबल है, दोनों के लिए ही ये उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये वो क्रैश कोर्स है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये वो क्रैश कोर्स है जो दिसंबर के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल क्रैश कोर्स है और इसमें दोनों ही भाषाओं में आपको क्लास दिया जाएगा। सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक अगर अभी तक आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है तो इंग्लिश में और हिंदी में उपलब्ध है। आप दोनों ही भाषाओं में AKG एकेडमी के स्टोर में जाकर के आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था, 20 के बाद 21 है अपना ये पहला। ठीक है, 21। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में मुस्लिम जनसंख्या 2011 के क्षेत्रीय वितरण के बारे में सही नहीं है? आपको ये बताना है। देखिए, लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात असम के अनुपात से अधिक है, केरल में मुस्लिमों की कुल जनसंख्या जम्मू और कश्मीर से अधिक है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से अधिक है। अभी क्लियर होगा ना, उस टाइम दिख नहीं रहा थोड़ा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात पश्चिम बंगाल से अधिक है। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर करते हैं इसका। देखिए,
देखिए, इस क्वेश्चन में डाउट था, मैंने इसको बताया भी है कि दरअसल इसका आंसर है ना, आंसर सी जो है वो एनटीए के अकॉर्डिंग करेक्ट है। पर अगर देखा जाए सारे ऑप्शंस को, तो इसमें सिर्फ जो ए वाला ऑप्शन है वो ही करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए उस एनटीए कहना है कि सी ऑप्शन करेक्ट है, बी डी और ई, यानी कि बी डी और ई। जबकि अगर हम इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी और सी जो है वो करेक्ट जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑप्शन नंबर ए है, लक्षद्वीप में 96.58% ये हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन पाया जाता है लक्षद्वीप में। ठीक है, 96.58% मतलब बहुत ज्यादा है, ये बात सही है जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिमों का, क्योंकि बाकी पॉपुलेशन में रेस्ट जो रिलीजन है उनकी संख्या काफी कम है। और पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात असम के अनुपात से अधिक है। तो असम में कितनी जनसंख्या है पहले ये जान लीजिए, वेस्ट बंगाल में 27 है, सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो 27%, 27%, और अगर हम आसाम में देखें तो आसाम में लगभग लगभग आप मान के चलिए 34, आसाम में 34%। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट गलत है। और केरल में मुस्लिमों की कुल जनसंख्या जम्मू और कश्मीर से अधिक है, तो केरल में जो टोटल मुस्लिम है वो 26% है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में 68% है, बताइए स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, अधिक कह रहा है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 19% है, टोटल 19% है। जबकि अगर हम और कहां, पश्चिम बंगाल पूछ रहा है, पश्चिम बंगाल में देखिए 27% है, पश्चिम बंगाल से अधिक नहीं बल्कि कम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। और पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है, देखिए पंजाब में 1.93% है, सही है, 1.93% है, सही है। लेकिन पंजाब में इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, तो बाकियों स्टेट्स में भी काफी कम है, इसलिए इसका सिर्फ ए ऑप्शन लगता है कि सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो डाउटफुल है। दैट्स वाई ए ऑप्शन ओनली, मतलब ए वाला विकल्प सिर्फ सही जा रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं फिट बैठता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा था। हाँ सही है, सही, आप लोग सही हो। सिक्किम भी है, प्रायिकता प्रतिचयन तकनीक नहीं है। Which of the following are not probability sampling? देखिए, probability sampling not पूछ रहा है, तो not में देखिए आ जाएगा snowball आ जाएगा। ठीक है, not में आ जाएगा snowball, और कौन सा आ जाएगा, कन्वीनियंस। तो सी एंड ई, सी एंड ई ओनली, यानी कि बी वाला ऑप्शन कैसे करेक्ट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पूछ रहा है कि जो उद्योग हैं और उनके स्थान हैं, इनको सही मैच करना है। क्या करना है? सही से मैच करना है। तो अगर हम बात करें इन उद्योगों की, तो हम अगर इसे देखें समझें, एनटीए ने इसका ऑप्शन नंबर बी माना है। कैसे माना है? जूट जो है वो ओंगोल में, जूट ओंगोल में माना है, ऊन कुल्लू ऊन के लिए फेमस है, रेशम रेशम के लिए मैसूरू दक्षिण भारत में, और सूती वस्त्र के लिए हिसार। तो ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का ऐसा क्वेश्चन है, जैसे आप अगर इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये सेंसस का पार्ट है। किसका? सेंसस का पार्ट। सेंसस से पिछले जितने एग्जाम हुए हैं उसमें अभी मैं देख रहा हूं कि 2020 के बाद से सेंसस बहुत तेजी से संख्या इसकी बढ़ी है। सेंसस अभी आया नहीं है, जनसंख्या संबंधी आंकड़े अभी आए नहीं है, भारत सरकार ने रिलीज नहीं किया है। तो हमें अभी भी 2011 वाला ही पढ़ना है, इस साल भी हमें इसी को पढ़ना है। तो 2011 वाले में क्या रहेगा कि आप इसे कई बार पढ़ चुके हैं, बस इसका आप रिवीजन करिए बार बार। अगर मैं सिर्फ सिर्फ संख्या की बात करूं, तो संख्या में आप मान के चलो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, इंटू टू कर लो आप तो लगभग 10 से 14 क्वेश्चन मार्क्स तक जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो अंतर है संख्या का, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। और आप लोगों को इतने बड़े अंतर के लिए थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए आपका जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है उसका क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, व्यापार और यातायात भूगोल का क्वेश्चन। ये आपके सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, बहुत सारे लोग इसको जानते भी नहीं होंगे। हालांकि ये WTO के बारे में है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, वो आपसे पूछ रहा है कि दो या अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों का रचनात्मक ढंग से समाधान किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, कौन सा कथन सही पूछ रहा है ना, देखिए WTO का काम ही है कि जब किसी भी देश के बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, फर्ज करिए भारत और चाइना के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, अभी आज का न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन चुका है, आज के पेपर के न्यूज़ में। दूसरे स्थान पर चीन जा चुका है, इसके पहले चीन हुआ करता था, चाइना के साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी सर्वाधिक थी। लेकिन आज का डेट नोट कर लीजिए, यानी कि 23 अक्टूबर से भारत जो है वो अमेरिका के साथ सबसे बड़ा जो व्यापारिक हिस्सेदारी है करने वाला देश भारत के रेस्पेक्ट में हो चुका है। दूसरा कि जो उदारीकृत वैश्विक व्यापार उत्पाद और उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है,
तो देखिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये भी सही है, क्योंकि जब आप व्यापार में देखते हो तो उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अधिक जरूरी है, और यह तभी संभव है जब मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है तो वहां पर उसकी गुणवत्ता भी प्रोडक्ट की अच्छी हो जाती है। नियम सबका जीवन मुश्किल कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी नियम, कोई भी रूल, कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति के जीवन को सरल करने के लिए, समाज के जीवन को सरल करने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है, कठिन करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उदारीकृत व्यापार रहन सहन की कमी में, लागत में कमी करता है। तो देखिए, यहाँ पर भी वही कंपटीशन वाली भावना है कि जो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन हो गया है। आप लोग को ध्यान होगा, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में मैंने ग्लोबलाइजेशन की क्लास ली थी, ठीक है, उसमें मैंने आप लोग को ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ाया था और लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। तो लिबरलाइजेशन से क्या होता है कि लोगों का रहन सहन जो है लोगों का, विवाद को बढ़ावा नहीं देता है बल्कि विवाद में कमी लाता है। क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट आप देखिए, समाधान यानी कि विवाद को समयबद्ध का समाधान निकालता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन हर एक प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी जो बुक है फोर क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, जो आपको मेरे एप्लीकेशन यानी कि AKJ एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, आप स्टोर में जाकर के उससे ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक पहुंच जाएगा। इंग्लिश वाला बुक 2 से 3 दिन में पहुंच जा रहा है अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हिंदी वाला बुक की प्री बुकिंग चल रही है, वो आप लोगों को 7 से 8 दिनों में, ठीक है, धीरे धीरे आपके घर पहुंचना शुरू हो जाएगा। चलिए, 25वें प्रश्न का सही उत्तर जो है NTA मानता है कि सी ज्यादा सही होगा। देखिए, सी कैसे होगा कि सूर्य के प्रकाश की जो अवधि है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैम्बेल स्टॉक्स रिकॉर्डर से, ठीक है, वही वायुमंडलीय दबाव को हम बैरोमीटर से करते हैं मेजर, ये बात बिल्कुल सही है। सापेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोग्राफ है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और वाष्पीकरण के लिए पैन इवेपोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिहाज से जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनाया गया है, उपकरण से जुड़ा हुआ। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में मैंने ये आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि उपकरण जो है वो किस प्रकार के होते हैं, सारे वेदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसको जरूर पढ़िए आप सभी लोग। वेदर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस अक्सर आ रहे हैं अपने एग्जाम में, तो ये भी उसी लेवल का एक प्रश्न था। 26 नंबर देखिए, नमस्ते, वेलकम, सभी का स्वागत है फिर से। कल दोपहर 12 बजे फिर से इसका क्लास नंबर 2 होगा, 12 PM पे इसका पार्ट 3 होगा, ठीक है, पार्ट 3 होगा। पहली क्लास इसकी सैटरडे को हुई थी, आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन से एक सतह पर सर्वाधिक एल्बिडो होती है, धवलता होती है? देखिए, बुक जिन लोगों ने ऑर्डर कर दिया है घबराइए मत, बुक आपके पास पहुंच रहा होगा, ट्रांजिट में होगा, मेरे और आपके जल्दीबाजी करने से पहुंच नहीं जाएगा, ठीक है, बुक को पहुंचने में समय लगता है। तो देखिए, वो फिजिकल है तो दिल्ली से चलेगा, फिर आपके घर तक पहुंचेगा बड़े शहर में, फिर वहां से आपके घर, तो ट्रांजिट में टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आप भावी शिक्षक हैं होने वाले भविष्य के, तो जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो आपके गहने होने चाहिए, उन्हें हर वक्त धारण करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो सर्वाधिक धवलता यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डेंस क्लाउड के ही आता है ऑप्शन में, ठीक है,
क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स का मतलब क्या हो गया, इनमें एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि सतह के हिसाब से एल्बिडो का एक नियम है। क्या नियम है? सतह जितनी चिकनी होगी, चिकनी सतह, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको ट्रांसफर रेट देखने को मिलेगा। और सतह जितना ही रफ होगा, ठीक है, यानी कि खुरदरा, खुरदरा सतह होगा तो वो सतह क्या होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। ये थोड़ा सा नियम है इसका। अब उष्णकटिबंधीय वन देखिए, पेड़ पौधे हैं तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, बेयर रॉक्स यानी कि चट्टान है ये भी एब्जॉर्ब करेंगे, डेंस क्लाउड क्या होता है, ये चिकनी सतह होती है, तो यहां से स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है। स्कैटरिंग जानते हैं ना, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन यहां से ज्यादा होगा, तो प्रकीर्णन ही धवलता है एल्बिडो, ऐसे आप समझिए बस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। सेवेंटी टू 80% है डेंस क्लाउड का, डेजर्ट का 20-30 है, रॉक्स का 15-20 है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 5-10 है, सबसे कम वो एक ना अरेंज ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में था। कौन सा कथन सही है? भारत में जो डिसकंटिन्यूटी है, देखिए ग्रामीण और जीवन, ग्रामीण और शहरी जीवन की जो गुणवत्ता है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि शहर की जनसंख्या कितनी है, 32% लगभग, और ग्रामीण जनसंख्या है लगभग 68%। अब अंतर क्यों नहीं होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए लिखा है ना लगभग 70%, बिल्कुल सही है, तो 68, ऐसे तो 31.18% टोटल अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया का, तो लगभग 70% सही है। और भारतीय ग्रामीण समाज अभी भी अर्ध सामंती है, इस बात में भी कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये 70% जनसंख्या है, यहां पर अभी भी आपको पता ही है सामंत राज व्यवस्था है, जो लोग समाज के धनाढ्य वर्ग से आते हैं, रिच बैकग्राउंड है जिनका, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, कहते नहीं है चाचा विधायक है हमारे, है ना, हमारे चाचा सांसद हैं, अपना परिचय कम देंगे और अपने से जुड़े हुए लोगों का परिचय अधिक देंगे, हमको जानते नहीं हो, हमको पहचानते नहीं हो, हम इनके बेटे हैं, हम फलनवा के बेटे हैं, ढिमकनवा के बेटे हैं, एक्स वाई जेड सबका नाम ले लेते हैं, हमारे मामा ये हैं तो हमारी मौसी ये हैं, तो दुनिया भर की चीजें हैं। तो पावर को दिखाने के लिए समाज में क्या है कि एक ऐसी दुर्व्यवस्था हो चुकी है, यही अर्ध सामंती व्यवस्था है, जहां पर कंट्रोल तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे आप अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। चलिए राज्यों में, बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात सर्वाधिक पता है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर लगभग लगभग 70% से भी अधिक की जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए ये गलत है, बी और सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, खानदान का नाम पहले आएगा, अपना नाम बाद में आएगा, ठीक है। राधे राधे, स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। कौन सा भूभाग दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित है? भारत का भूगोल है ये, ठीक है, ये भारत का भूगोल है।
चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित कौन है। तो सही ऑप्शन इसका माना है बी और डी, बी और डी संबंधित है। देखिए भूभाग दक्षिण मध्य भूमि का मतलब क्या हो गया, दक्षिण का भी भाग है और मध्य का भी भाग है। तो अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें कि कैसे इसको हम देखते हैं, मैं बस है ना दक्षिण का जो हिस्सा है मैं उसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा इसको समझ लेंगे हम सभी लोग। ठीक है, तो जो उत्तर इसमें आपको दिख रहा है ये वाला जो उत्तर है विंध्यन कगार भूमि और नर्मदा घाटी, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के मैदान वो अलग अलग हिस्सों में। देखिए नर्मदा घाटी आपको पता ही है कि इस तरीके से बहती है, दिशा उसका इस तरफ है ना, ये दिशा है। तो ये दक्षिण भी नहीं है और ये पूरी तरीके से उत्तर भी नहीं है, क्योंकि जो विंध्यन माउंटेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। विंध्यन माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन्स के बीच में ही है, आपको पता है ना नर्मदा नदी, ठीक है, और सतपुड़ा माउंटेन्स के नीचे आपको पता है ताप्ती नदी जाती है। तो ये दो पश्चिम की तरह, पश्चिम भारत की तरफ, ठीक है ना, पश्चिमी भारत की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी यही दोनों है। सबसे लंबी नदी है ये, इन दोनों का नाम याद रखिए। तो अब मध्य भारत की जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है तो बुंदेलखंड किधर आता है। देखिए बुंदेलखंड दो राज्यों में, इनफैक्ट तीन राज्यों में फैला हुआ है, जहां पश्चिम में राजस्थान का हिस्सा और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का हिस्सा, इसके दक्षिण में मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है। ठीक है, अब अगर हम रुहेलखंड की बात करें, बरेली याद है आप लोग को, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली का हिस्सा रुहेलखंड कहलाता है। उसी के इर्द गिर्द यानी कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश, या यू कहें तो जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है वहां पर। तो सही है, डी और बी ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन सही जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता मात्रात्मक क्रांति के अग्रणी वक्ता थे, मतलब मात्रात्मक क्रांति को प्रमोट किया। थॉट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वैसे लीडिंग ज्योग्राफर तो इसमें माना गया है, इसका सही उत्तर डी माना गया है, सी और ई। ठीक है, सी और ई मात्रात्मक क्रांति। देखिए क्या था मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति में पूरी दुनिया में स्पेशली दो कॉन्टिनेंट्स में, यूरोप में और अमेरिका में, ये जो अपना भूगोल का मूल स्वरूप चलता चला आ रहा था, भूगोल ज्योग्राफी शुरुआत से ही एक लिटरेचर की तरह लैंग्वेज हो गया था। लिटरेचर क्या है, आप लोगों ने अगर अंग्रेजी भाषा पढ़ी हो कभी भी एज अ सब्जेक्ट, अरे 6, 7, 9, 10 तक तो पढ़ा ही होगा, 11, 12 में भले ना पढ़ो बात अलग है। बहुत बड़े कवि थे इंग्लिश पोएट शेक्सपियर, नाम सुना होगा। तो इन लोगों का काम क्या था कि कुछ जो जो बोलचाल की भाषा होती है उसको एक इस तरीके से लिखते हैं ताकि वो पढ़ने में और दिलचस्प लगे और राइम जैसे वो बनता चला जाए कविताओं की तरह।
तो हमारा जो ज्योग्राफी था वो भी कविताओं की तरह होता चला गया, लिटरेचर मतलब सिर्फ चीजें लिखी जा रही हैं, डिस्क्रिप्टिव कहानियों की तरह लिखी जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं था। एक फेज था जब ग्रेट एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया, महान जो खोजी समय चला, जब बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स बड़े बड़े जगहों को ढूंढा जा रहा था, लेकिन बीच में टाइम आ गया, ज्योग्राफी पूरी तरीके से सिर्फ लिटरेचर जैसा लैंग्वेज बन गया। तो साहित्य की भाषा की जगह पर गणितीय और मॉडल, यानी कि जितने भी सिद्धांत वगैरह थे, सिस्टम वगैरह थे, इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था मात्रात्मक क्रांति, इसको कहा गया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। कई बार एग्जाम में इसकी जगह पर क्वांटिफिकेशन यूज करता है, क्वांटिटेटिव की जगह पर क्वांटिफिकेशन, मात्रात्मक करण कहते हैं। तो यहां पर पीटर हैगेट और विलियम बुंगे और हैंगरस्ट्रैंग और चोरले, ये सभी लोग इसके प्रमुख रूप से माने जाते थे। जबकि सैंपल और रेडजेल एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणवादी थे, ठीक है, पर्यावरण को मानने वाले थे। कैंस्की, ये एक बहुत बड़े सेटलमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, या आप यूं कहिए कि इन्होंने मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को, कैंस्की को पढ़ाया, अगर भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि जो आप लोग मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ईटा थीटा जीटा, ये मैट्रिक्स के सेक्शंस हैं पूरे, और रेडजल तो मैंने बता ही दिया। अगला प्रश्न देखिए, चालू होगा नीतू बहुत जल्दी, उषा हाँ बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, बिल्कुल से। सामाजिक पारिस्थितिकी आंदोलनों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, आप कैसे करेंगे ये काम? तो देखिए, एक बड़ा ही आंदोलन हुआ था, आरे आंदोलन। ये मुंबई की सोसाइटी थी, आरे जंगल थे, उनको काटने से बचाने के लिए 2014 में ये मूवमेंट चलाया गया। चिपको आंदोलन भारत के सबसे पुराने आंदोलनों में से एक है, जहां चिपको मूवमेंट उत्तराखंड से शुरू होता है 1973 से, वही NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 से शुरू होता है। मेधा पाटकर का नाम बड़ी ही प्रमुखता से लिया जाता है इसमें, और जो जंगल बचाओ आंदोलन था, ठीक है, यानी कि जंगल बचाओ आंदोलन, ये झारखंड से आया था, टीक के फॉरेस्ट वगैरह को बचाने के लिए इसको भी लाया गया था, ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन। आई थिंक ये भी कुछ 2000 के आसपास के टाइम का है, ऐसे ही कुछ है। सही जो ऑप्शन है इसका बी माना गया है, यानी BDCA। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न से पहले अगर आप दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप दिसंबर NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका नेट सेट या JRF है, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, तो उसके लिए क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है अभी AKJ Academy के ऐप पे। पेपर वन का और ज्योग्राफी दोनों सेक्शंस आपको मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। क्लास सुबह 8 बजे और दोपहर 3 बजे होती है, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ। 4000 इसकी फीस है, आप ले सकते हैं, इसमें लाइव क्लासेस भी हैं प्लस रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल भी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए AKJ Academy के चैट में आप मैसेज कर सकते हैं, बुक ऑर्डर कर लीजिए, दिसंबर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद ये, ठीक है, होल प्लस ऑफ ज्योग्राफी आपको बहुत हेल्प करेगा।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कार्बन सिंक का उपयोग किस एक के लिए किया जाता है? तो कार्बन सिंक का इस्तेमाल, देखिए कार्बन सिंक, सिंक जो CO2 है इसकी पर्यावरण में मात्रा बहुत तेजी से बढ़ गई है। हम लोग पढ़ रहे थे 0.03%, जो अब इंक्रीज हो करके 0.04% तक हो गया। तो जो इसका जो मात्रा है वो हमारा जो वायुमंडल है उसमें इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसके वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं ना, इनको यूज करते, कंज्यूम करते हैं, उपभोग, तो उसी को सिंक नाम दे दिया गया है। सिंक का मतलब बेसिकली होता है कि किसी भी चीज को है ना एक सेंट्रलाइज, एक सेंट्रल एरिया में ला करके उसको दबा देना, उसको कम कर देना, सप्रेस कर देना। तो वनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन सिंक। इसके अलावा जो ओशन होते हैं, ओशन में जो कोरल्स होते हैं वो भी कार्बन सिंक करते हैं, जो वहां पर एल्गीज होती हैं वो भी करती हैं। तो टेरिस्ट्रियल एरिया में फॉरेस्ट हो गया, जैसे अमेजन के रेन फॉरेस्ट हो गए, कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट हो गए, इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट हो गए, है ना, वर्षा रेखीय वन, विषुवती वन, ये कंज्यूम करते हैं। इनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। जैसे हमारे फेफड़े हैं ना, श्वसन करते हैं हम, तो वैसे ही यहां से हमें ढेर सारा ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। थर्टी का आंसर बी था, कल्पना। ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, गुलहास, क्या सही होगा? एनटीए तो कहता है कि डी होगा भाई, मान लेते हैं डी हम। ब्राजील क्या है, कौन सी ठंडी जलधारा से मिलती है? तो ब्राजील आती है नॉर्थ से और फॉकलैंड जाती है साउथ से, ये दोनों मिलती हैं, जो अर्जेंटीना ब्राजील का जहां पर एरिया है वहां पर ही मिलते हैं। तो ठंडी है, ये गर्म है, ये गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात, गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जाता है साउथ से और लैब्राडोर आता है नॉर्थ से। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो फॉग होता है बहुत ज्यादा, फिशिंग ग्राउंड फॉग के वजह से होता है कनाडा के पास। क्यूरोशियो गर्म जलधारा है पैसिफिक ओशन में। अच्छा, ब्राजील धारा हो गया, लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम, ये चारों कहाँ पर है? फॉकलैंड, ये अटलांटिक ओशन के हैं, आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर के पार्ट। क्यूरोशियो मिलता है किससे? ओवाशियो से। ये प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के नॉर्थ में जाने की वजह से बनती है। ओवाशियो नॉर्थ से आता है और क्यूरोशियो से मिलता है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। अगुलहास हो गया, और पश्चिमी पवन निक्षेप जिसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। तो अगुलहास जो है वो गर्म जलधारा है, अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है उधर से नीचे की तरफ आती है, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है एटलांटिक से, पैसिफिक से होते हुए आती है इंडियन ओशन की तरफ। तो ये इंडियन ओशन का पार्ट है और ये इंडियन ओशन में यहाँ पर इससे मिल जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, डी मैन्युफैक्चरिंग।
नहीं, मनोज सही है डी। क्योंकि अगुल हास जाकर के कनारी से नहीं मिलता है ना, इसलिए आप पढ़ोगे ना जायर, जो मैं पढ़ाता हूं जायर, जायर जायर क्या होता है, जितने भी ओशंस हैं उसमें सर्कुलेशन होता है करंट्स का। जैसे कि एक वार्म करंट नॉर्थ में गई तो एक सर्कल हाफ सर्कल बन गया, फिर ये नॉर्थ की तरफ और बढ़ा तो और सर्कल बढ़ गया, फिर इधर से डिवाइड होकर के इधर चलाता है कोल्ड करंट्स के फॉर्म में, फिर वार्म करंट में आके मिल जाता है, तो इसको हम जायर कहते हैं। ये हर एक ओशन, इंडियन ओशन में सिर्फ एक जायर पाया जाता है, सिर्फ वन सिंगल, बाकी अटलांटिक में दो हैं और पैसिफिक ओशन में भी दो हैं। तो डी मैन्युफैक्चरिंग को हम किस चीज से देख रहे हैं कि बेसिकली डी असेंबली और रिसाइकलिंग। मैन्युफैक्चरिंग शब्द के पहले डी लगा दिया है, डी इज अ नेगेटिव, और किसी भी चीज को क्या कहते हैं, तोड़ना, उसको फिर से बनाना। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्राइमरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल, प्राइमरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना सेकेंडरी में, द्वितीयक में। जैसे मिट्टी से ईंट को बनाना, मिट्टी से हमने क्या कर दिया, ब्रिक को बना दिया, ईंट को बना दिया, लकड़ी से फर्नीचर को बना दिया, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ये कन्वर्जन है। तो वैसे हम स्टील प्लांट में जाकर के आयरन ओर को, बॉक्साइट्स के ओर को, या मैग्नीज के ओर को हम क्या करते हैं, उससे हम स्टील बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब स्टील जब बन गया तो वो व्हीकल में स्टील का यूज हो रहा है, या कहीं पर घरों को बनाने में यूज हो रहा है, तो उसी को वापस से क्या करना, रिसाइकल करना, यही कह रहा था डी मैन्युफैक्चरिंग, अलग करना और पुनर्चक्रण। जनरली इनको हम स्क्रैच कहते हैं, ठीक है, स्क्रैच, स्क्रैप, स्क्रैप से स्क्रैच है, मतलब कि बिल्कुल उसको तोड़ करके फिर से स्टार्ट करना, स्क्रैप वैसे कहलाता है। कौन सा हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है? एक क्वेश्चन, इस वक्त इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, एक बड़ा ही दिलचस्प स्टेडियम है हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो कि सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बसाया गया है। एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, आप इतना सारा एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो कौन से स्टेट में है? तीसरा, वो कौन से माउंटेन रेंज में है? चौथा, उसकी हाइट कितनी है? ऐसे तमाम क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, धर्मशाला में बने हुए स्टेडियम से रिलेटेड। ये क्लास फुल एचडी, फुल एचडी 4K में चल रही है, एचडी से भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी 4K, आप 4K में भी इस क्लास को देख सकते हो, हर चीज बहुत क्लियर दिखेगा। हिमाचल, धर्मशाला, बिल्कुल सही। हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में कौन सी अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है सोना पानी हिमनद। अब जो बुक है अपनी हॉरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, हॉरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी को, है ना, ये जो बुक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का जो उत्तर है इतने सटीकता से दिया गया है, मैंने कोशिश की है, सियाचिन के बारे में बताया है, बियाफो के बारे में बताया है, सोना पानी के बारे में बताया है, और बतूरा हिमनद के बारे में भी बताया गया है। तो इतनी सटीकता से वर्णन मिलेगा कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। इसलिए अगर बुक आपने ऑर्डर नहीं किया है तो एकेजे एकेडमी के स्टोर में जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके पहले एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सोना पानी हो गया 35, दो कथन, पहले दो कथन पढ़ लीजिए। कथन तो पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े कैसे होगा।
तो कथन को पढ़िए और आंसर करिए। तो कथन पढ़ने पे क्या मिलता है आपको? अनुसूचित जातियों का उच्चतम संकेंद्रण भारत के सतलज गंगा के मैदानों में है। सतलज गंगा के मैदान में है। अनुसूचित जाति का मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं दो तीन चार राज्यों का नाम लूं, भारत में एससी पॉपुलेशन का सर्वाधिक परसेंटेज किसमें है? पंजाब के पास है सबसे ज्यादा परसेंटेज में, संख्या नहीं, संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। आप वेस्ट में देखिए, सतलज जहां से बहती है नदियां, सतलज उसकी सहायक नदियां हो गई, इंडस की सहायक नदी है हालांकि वो, तो पंजाब से लेकर के हरियाणा की तरफ बढ़िए, हरियाणा में भी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है एससी का, फिर उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है, संख्या में नंबर वन है, फिर जो बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है ना, आ गया ना सतलज गंगा का मैदान यहां पर हो गया। दक्षिण भारत में आपको महाराष्ट्र में एससी पॉपुलेशन जो है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या भारत के केरल राज्य में है, तो अगर इसका उत्तर हम ढूंढें तो केरल में कुल संख्या लगभग है ना 18% है क्रिश्चियनिटी की। निरपेक्ष संख्या के मामले में भारत में अगर बात करें तो 18% बहुत होता है। इसमें संख्या आपको लगभग 61.4 लाख मिलेगा, ठीक है, 61.4 लाख, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। और अनुसूचित जातियों का थोड़ा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं, तो अगर हम देखेंगे तो पंजाब में 31% है, पंजाब में 31% है, हरियाणा में लगभग आपको 20% देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी 20% है, और बिहार में लगभग 15% है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 23% है। आप परसेंटेज वाइज देख लीजिए कितना ज्यादा संख्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, यही मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सेंसस को पढ़ना बहुत जरूरी है। सेंसस को पढ़िए आप सभी लोग अच्छे से, डेटा है बहुत सारे, डेटा है उनको है ना मैप के थ्रू याद करिए, थोड़ा जरूरी है क्योंकि लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस बनेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से अकेले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। पूरा सेंसस का लिस्ट मैंने दिया हुआ है। हाँ, परसेंटेज में नॉर्थ ईस्ट नंबर वन है, बिल्कुल सही है भारती। हाँ, नॉर्थ ईस्ट नंबर वन है परसेंटेज में, क्रिश्चियन पॉपुलेशन में, बट वहां पर टोटल संख्या पूछा था, टोटल नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय तापन से जो जीव पहले गर्म प्रदेशों तक सीमित थे, वे ध्रुवों की ओर अधिक सामान्य हो जाएंगे, मतलब भविष्य के बारे में कह रहा है। जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। तो जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक वितरण में बदलाव नहीं होता है, पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि होता है या होगा, और दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं होता है। तो देखिए, ये तो सही है। हम अगर पास्ट की बात करें, हम अगर ग्लोबल वार्मिंग और उसके पास्ट को देखें, तो पृथ्वी पर अभी तक 5 बार ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, ये पहला नहीं है जो हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट 5 टाइम ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग एराज। पृथ्वी एक स्नोबॉल बन गई थी, 5 बार ऐसा हो चुका है। द रीसेंट आइस एज वॉज प्लीस्टोसीन, और हमने ये भी पढ़ा है कि एक ग्लोबल वार्मिंग से दूसरे ग्लोबल वार्मिंग के बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसको हम ग्लोबल कूलिंग कहते हैं।
तो ग्लोबल कूलिंग था प्लीस्टोसीन, अब उसके बाद वार्मिंग हो रहा है। तो प्लीस्टोसीन के टाइम पे उसके पहले मैमथ हुआ करते थे पृथ्वी पे, मैमथ हाथियों जैसे बड़े बड़े सूंड वाले, ट्रंक एंड टस्क वाले बड़े बड़े, तो वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। वो उन्होंने कोशिश किया ट्रेवल करने का, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है वेगनर के थ्योरी में कि उन्होंने बताए थे लेमिंग्स के बारे में, उन्होंने लीस्टोसॉरस के बारे में बताया था, मेजोसॉरस के बारे में बताया था, ठीक है। ये सारे वो जीव थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुए, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक, ये वाला गलत है और ये वाला सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। दोपहर 12 बजे क्लासेस आप लोग की चलेंगी डेली, ठीक है। PM डेली क्लास, संडे को नहीं होगा, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। संडे छुट्टी होगी, एक महाशय पूछते हैं कि संडे को ऑफिस बंद रहता है क्या, अरे दुनिया के किसी भी कोने में, रविवार तो क्या आप शनिवार की भी छुट्टी शुरू हो गई है। जो लोग काम करते हैं ठीक है, उन लोग को एक दिन की छुट्टी तो मिलती है ना भाई, है कि नहीं। क्या उनका परिवार नहीं है, क्या उनका घर द्वार नहीं है, थोड़ा रहम करिए इंसानों के ऊपर, इंसान है तो इंसानों के ऊपर रहम करना सीखिए, ठीक है। छुट्टी होती है भाई, दिल्ली NCR में सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है, यहाँ तो सिर्फ एक ही दिन की बात है, संडे। लवणता की संकेंद्रणता के आधार पर आरोही क्रम में रखिए। इससे आसान प्रश्न मुझे नहीं लगता। और क्या ये नहीं पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, हर एक ओशन का एक लिस्ट मैंने दिया हुआ था कि देखो यहां से क्वेश्चन आएगा, आता है, आता रहेगा, ठीक है। देखिए इसे आप बताइए, हाँ ये क्लास फ्री है, यूट्यूब क्लास फ्री ही होती है भाई मेरी, कब से पेड़ में पढ़ाने लगा, यूट्यूब क्लास फ्री है। पेड़ क्लासेस अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप AKJ एकेडमी पे आइए, AKJ एकेडमी पे, यहाँ पर आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, 1 से 2 दिनों में आप अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आरोही क्रम का मतलब है कि न्यूनतम से अधिकतम। तो सबसे कम यहाँ पर बाल्टिक का है क्योंकि नॉर्थ में है, उसके बाद काला सागर का है, उसके बाद चीन सागर का, लाल सागर का सर्वाधिक है। तो अगर हम प्रश्न को देखें तो बाल्टिक सी का लगभग 3 से 15% तक पाया जाता है, ठीक है, कहाँ गया बाल्टिक सी, 3 से 15% तक पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें ब्लैक सी की तो ये 16 से 18% तक है इसकी सैलिनिटी। चाइना सी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। साउथ वाले को चाइना अपने दादा का समझता है, उसको लगता है पुश्तैनी मिला है मुझे, तो इन दोनों का कंबाइंड जो है चाइना सी का वो 25 से 30 तक है, और लगभग रेड सी का सर्वाधिक है क्योंकि ये 36 से 41, ठीक है, PPT तक देखने को मिलता है। PPT यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड बोलते हैं, किसके पार्ट, किसके पार्ट भाई, NaCl के, है ना, इसके NaCl के। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूड फॉर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानवतावादी भूगोल के पक्ष में विचार रखे। देखिए क्या होगा सही ऑप्शन इसका, मानवतावादी भूगोल
बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है, यीफू तुआन फेमस थे इसके लिए। देखिए यीफू तुआन जो थे वो एक चाइनीज कम अमेरिकन ज्योग्राफर थे जिन्होंने 1977 स्पेस एंड प्लेस नाम का बुक लिखा। इसी बुक में उन्होंने ह्यूमनिज्म की बात की, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की बात की। ठीक है, इसमें इन्होंने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, टोपोफोबिया, टोपोहिला। हालांकि टोपोहिला शब्द बहुत पॉपुलर हुआ, इससे मतलब होता था किसी स्थान किसी स्थान विशेष के प्रति आकर्षण, टोपो हिला शब्द जिसको कहा इन्होंने, किसी स्थान विशेष के प्रति विशेष आकर्षण। जैसे घर, नाम आते ही घर का चित्र आ जाता है, मेंटल मैप बनने लगता है ना। कहीं घूमने के लिए कोई कह दिया तो जहां कभी पहले कभी घूमे रहे होगे जीवन में, उसकी चित्र, उसका वीडियो चलने लग जाता है कंप्लीट 4K मोड में, HD से भी अधिक। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सी ऑप्शन सही है। 39 देखिए, नो क्रेक जैव मंडल। नो क्रेक जैव मंडल कहीं और नहीं बल्कि भारत का वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, वर्षा, चेरापूंजी मानसिन राम, है ना। तो 1986 में नो क्रेक बायोस्फीयर बना। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है बताइए, कौन बताएगा। 4-0। हाँ हाँ बिल्कुल, डी ही है। नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा हूं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क तो हेमिस, हेमिस था, नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, हेली, हेली नेशनल पार्क जो आजकल जिम कॉर्बेट के नाम से फेमस है। ठीक है, चलो देखो इसका सही क्रम बताना है यूनानियों का। यूनानियों का सही क्रम कैसे पता करेंगे, आंसर तो बताया है एनटीए ने कि भाई इसका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। करेक्ट है तो कैसे करेक्ट है, देखिए जो हिकैटियस थे इनको माना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, हिकैटियस का जो बर्थ काल है, मतलब तो समय जो है हिकैटियस का, वो लगभग 550 के आसपास है। इरेटोस्थनीज की जहां तक बात करें तो ये 276 के आसपास आए थे, और हिपार्कस जो है वो 190, सबसे लेट में ये थे। पोसिडोनियस भी थे हालांकि, मान सकते हैं 135, हिपार्कस सबसे लास्ट में। तो पूछा गया है सही कालानुक्रम, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी। ठीक है, चलिए तो ये आज का अंतिम था गाइस, इसके बाद के प्रश्नों को हम कल करेंगे,
और कल हम 41 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और आप सभी लोग AKJ एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है, AKJ एकेडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों को कंप्लीट पेड बैच दिया जा रहा है। बड़ी ही जल्दी वहां पर हम लोग जो स्पेशल सेशंस हैं, फ्री सेशंस हैं, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और AKJ एकेडमी का जो लिंक है ऐप का, वैसे तो प्ले गूगल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, फट से नाम लिखोगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा, आप इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास आईफोन है, iOS है, लैपटॉप है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। यहाँ पर माई इंस्टीट्यूट सर्च करिए, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके वहां पर आपसे एक ORG कोड पूछेगा, XZWOU ORG कोड डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल डालिए, हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने अगर बुक नहीं ऑर्डर किया है तो बुक ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि हॉरक्रक्स और ज्योग्राफी अवेलेबल है AKJ एकेडमी के ऐप पे। ये बुक आप लोगों के घर तक पहुंच जाएगा। अभी तक मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरे इंडिया से बुक्स को ऑर्डर कर लिया है, उनको मिल रहा है, उनके घर तक जा रहा है, तो आपके घर तक भी पहुंचेगा। आप जरूर पढ़िए, बहुत हेल्पफुल है आपके किसी भी ज्योग्राफी रिलेटेड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये इंग्लिश में है और इसका हिंदी वर्जन भी है। हिंदी वर्जन जो है प्री बुकिंग चल रही है इसकी, तो प्री बुकिंग में क्या होता है कि बुक को पहले हम बुक है ना ऑर्डर देखते हैं कितना है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है और फिर उसके बाद वो डिस्पैच होता है। तो इसीलिए प्री बुकिंग करवाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट है ना इस वाले बुक को ऑर्डर कर रहे हैं। तो लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, लगभग इतने दिनों में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा बुक। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। क्रैश कोर्स दिसंबर के लिए ज्वाइन करिए, पढ़ाई शुरू करिए, समय बहुत कम है। कल वापस 12 बजे मिलेंगे हम लोग यहाँ पर और फिर से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। दोपहर 3 बजे मिलते हैं क्रैश कोर्स में। ठीक है, जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, इस क्रैश कोर्स में मिलते हैं दोपहर 3 बजे। कोर्स नहीं लिया है तो आप भी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।